तो काइनेमेटिक्स का अगला सवाल डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे आईटी जेई मेंस 2015 में पूछा गया था और ये ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर हाई विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो देखेंगे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक क्लिफ है, क्लिफ का हाइट दिया गया है 240 मीटर और यहाँ से दो पार्टिकल कोलिड किए गए है ना, एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और जो दूसरा है उसका वेलोसिटी दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया गया है। तो देखेंगे कि जिसका स्पीड कम है वो पहले ही रुक जाएगा और वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा समय तक चलता रहेगा ऊपर, तो नीचे आने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पर चार ग्राफ दिए गए हैं, चारों ग्राफ में इनका एक दूसरे के रिलेटिव में पोजीशन देखेंगे, ऊपर वाई एक्सिस पर पोजीशन वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू दूसरे वाले का पोजीशन है, वाई वन पहले वाले का पोजीशन है, तो डिफरेंस का मतलब हो गया रिलेटिव पोजीशन हो गया और ये एक्स एक्सिस पर टाइम ग्राफ रखा है ना, टाइम एक्सिस है। तो ये ग्राफ दिए गए हैं चार, हमें बताने कौन सा ग्राफ जो है इनके बीच के जो रिलेटिव मोशन है और टाइम का जो रिलेशन है सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड स्टोन का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पूछा गया, यानी y2 माइनस y1 देखना हमें। यहां पर एक चीज और बताया गया, एज्यूम स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हीटिंग द ग्राउंड एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, g का वैल्यू भी बताया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिबाउंड नहीं करने का मतलब जो पहले गिरेगा वो वहीं पर ग्राउंड पर रुका रह जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग तो ये करते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा वाला है ना, या यूं कहें कि जो कम स्पीड से चल रहा है ये वाला जो है वो कितनी देर बाद नीचे स्ट्राइक करेगा, तो पहले उसका फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है ना। तो पहले वाले की बात करते हैं, यहां पर मैं रखूंगा वाई वन इज इक्वल टू ये जो u1 है 10 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस g के इक्वल लेंगे इंटू टी स्क्वायर। वाई वन का जो वैल्यू है किसी इंस्टेंट पर है, तो मैं क्या करता हूं पहले पता करता हूं कि ये ग्राउंड पर कब पहुंचेगा। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए y1 का जो वैल्यू है वो माइनस 240 होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके घूम करके वापस नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, ऊपर पॉजिटिव लेता हूं नीचे निगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है माइनस 240, ये हो गया 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे है ना, तो फैक्टर करने से ये आ जाएगा टी माइनस 8 इंटू टी प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से टाइम के दो वैल्यू जाएंगे, एक आएगा 8 सेकेंड और दूसरा जो है निगेटिव में आ रहा है, तो वो वैल्यू जो है हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि टाइम कभी निगेटिव तो होता नहीं है, ठीक। तो ये जो है पता चला कि जो 10 मीटर पर सेकेंड से जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 8 सेकेंड बाद ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की भी, दूसरा वाला जो है उसका डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ, यू वाई का वैल्यू 40 इंटू टी प्लस हाफ माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको टी वन लिख देता हूँ। तो वाई टू का जो वैल्यू है ये माइनस 240 होगा जब ये नीचे गिर जाएगा। तो इसमें भी हम लोग पहले पता करते हैं कि ये ग्राउंड पर कब आएगा, तो ग्राउंड पर आने के लिए इसका वैल्यू माइनस 240 मीटर रखेंगे, 40t1 माइनस 5t1 स्क्वायर। तो इसको जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसमें आएगा t1
minus 12 into T1 plus 8 is equal to 0, है ना। तो यहां से भी दो रूट आएंगे जिसमें से कि एक पॉजिटिव है 12 सेकेंड, और पॉजिटिव वाला जो है T1 जो है पॉजिटिव वाला ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि टाइम जो है निगेटिव होता नहीं है। तो यहां से ये पता चला कि जो 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था वो ज्यादा टाइम लेगा और ये ग्राउंड तक आने में 12 सेकेंड का टाइम लेगा, ठीक। तो अब हमें पता करना है इनके बीच का रिलेटिव पोजिशन। तो पहले जब तक ये दोनों हवा में रहेंगे तब तक इनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो पोलेटाइल हवा में होते हैं तो जब उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगा, है ना। मतलब कि उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट हो जाती है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो 8 सेकेंड तक तो ये स्ट्राइक नहीं किया है, 8 सेकेंड तक ये दोनों के दोनों जी एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, तो इनके बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ रहा होगा। कैसे, अगर मैं y2 माइनस y1 निकालूंगा, ये y2 है ना और ये y1 है, तो y2 माइनस y1 निकाल के देखते हैं कितना आता है। y2 का वैल्यू मैं रखूंगा 40 इंटू टी किसी इंस्टेंट पर माइनस 5t स्क्वायर माइनस, ये y2 का वैल्यू है ना, y2 जो है इस इक्वेशन से माइनस हो, y1 का वैल्यू यहां से रखेंगे 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो देखेंगे कि ये 5t स्क्वायर और ये 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 40t माइनस 10t यानी कि 30t। ये रिलेटिव पोजीशन है कब तक, फॉर t लेस देन 8 सेकेंड्स, इनफैक्ट इक्वल टू यहां तक कर सकते हैं लोग, है ना। तो यहां तक जो है y2 माइनस y1 टाइम के साथ में लिनियरली चेंज हो रहा है, तो 8 सेकेंड तक तो स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, सब में स्ट्रेट पाथ दिखाया है 8 सेकेंड तक, है ना। इसमें गलत है, ये 12 सेकेंड तक सीधा दिखाया है तो ये गलत है, 8 सेकेंड तक इसमें भी स्ट्रेट पाथ दिखाया है, 8 सेकेंड तक इसमें भी स्ट्रेट पाथ है और इसमें भी स्ट्रेट पाथ है। तो अब इन तीनों में पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात करते हैं आगे की कि 8 सेकेंड के बाद क्या होगा। 8 सेकेंड के बाद देखेंगे कि जो 10 मीटर पर सेकेंड से चला है वो तो 8 सेकेंड बाद ग्राउंड पर आ गया है ना, और जो 40 मीटर पर सेकेंड से चला था वो अभी भी रास्ते में है, ऊपर हवा में है। तो अब अगर मैं कहूं फॉर टी ग्रेटर देन 8 सेकेंड, उसके लिए अगर y2 माइनस y1 निकालेंगे तो y2 का जो वैल्यू है अभी भी ऐसे ही लिखेंगे इसी के जैसा, ये जो y2 का है 40t माइनस ये हो जाएगा 5t स्क्वायर किसी जनरल टाइम पर, है ना, किसी जनरल टाइम पर इसको हम लिखेंगे 40t माइनस 5t स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस y1। y1 क्या होगा, 8 सेकेंड बाद जो 10 मीटर पर सेकेंड से चलने वाला था वो तो ग्राउंड पर आ चुका है, तो उसका y1 जो है वो फिक्स्ड हो गया, वो उसका हो गया y1 का वैल्यू माइनस 240 8 के बाद, क्योंकि यहां आकर को रिबाउंड नहीं होना है, वहीं रुक गया, तो ये y1 का वैल्यू है माइनस 240, है ना। तो ये y2 माइनस y1 है ना, तो 40 माइनस ये तो हो गया y2 माइनस y1 के जगह पर माइनस 240 हम लोग रखेंगे यहां। तो ये देखें इक्वेशन जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है 40t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 240, ठीक है। तो ये जो ग्राफ देखेंगे अब y2 माइनस y1 का और t का, तो t का स्क्वायर है तो पैराबोलिक होना चाहिए और t स्क्वायर के आगे माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब होता है कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आना चाहिए, है ना। जैसा कि हमने बताया अपने थ्योरी में y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन आता है x स्क्वायर के आगे माइनस साइन है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, और अगर प्लस होता है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता है। तो यहां पर चूंकि निगेटिव है t स्क्वायर के आगे इसलिए
पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड वाला होगा, यानी ये वाला ग्राफ होगा, है ना। इसमें जो है अपवर्ड वाला शेप दिया गया था, ये स्ट्रेट दिया गया है, तो ये गलत है। ये तो पहले ही गलत हो गया था, है ना। ये स्ट्रेट है इसलिए गलत है, ये पैराबोला अपवर्ड है इसलिए गलत है, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।